कानपुर में पुलिस के लचर रवैये के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। कानपुर के मंदना चौबेपुर के एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों द्वारा पीड़िता से मारपीट कर बयान बदलवाने का मामला सामने आया है, जिसके खिलाफ पीड़िता की मां ने कानपुर पुलिस कमिश्नरेट से शिकायत की है। शिकायत पत्र में पीड़िता की मां सरस्वती ने अपनी नाबालिग पीड़ित पुत्री को मारपीट कर बयान बदलवाने का आरोपी पक्ष पर लगाया है। शिकायत पत्र में पीड़िता की मां ने बताया कि बीती 1 सितंबर को पीड़ित पुत्री घर से गायब हो गई थी, जिसकी सूचना पीड़ित परिवार ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को दी थी। बेटी के गायब होने के करीब 6 दिन बाद अचानक उनके पास बाल संरक्षण गृह से एक फोन आया, जिसमें वहां से पीड़िता को ले जाने को कहा गया। संरक्षण गृह से वापस घर पहुंची पीड़िता ने अपने परिवार के सामने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसे डरा धमकाकर घर से बाहर एक हॉस्टल में बुलाया गया, जहां उसके साथ मारपीट कर जबरन बयान को बदलवाया गया, जिसका वीडियो बनाकर पीड़िता को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद पीड़िता को नारी निकेतन भेज दिया गया। आपको बता दें कि मामला करीब 3 महीने पहले का है, जहां कानपुर के बिठूर में 2 युवकों ने नाबालिग को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किया था और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके करीब 40 दिन बाद 2 युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपियों में एक बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य का भतीजा अंकित दिवाकर है और दूसरा श्यामू सिंह है, जिनमें से एक ही गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिला पंचायत के सदस्य का भतीजा होने के चलते पुलिस दबाव में काम कर रही है, जिसके चलते लगातार उनके केस को कमजोर किया जा रहा है और बेखौफ आरोपी किसी भी हाल में कानून के चंगुल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार खुद पर जानलेवा हमले की आशंका भी जाहिर कर रहा है और जल्द से जल्द मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार कर रहा है।